आज के युग में कुछ लाइलाज बीमारियों की तरह स्वास्थ्य भी लाइलाज कहा गया है। कारण यह है कि आज लोगों का आहार विहार, आचार विचार और खान पान बदल गया है। यदि व्यक्ति पथ्य करे तो कोई भी रोग लाइलाज नहीं हो सकता, किंतु आधुनिक दृष्टि से इस रोग को असाध्य कहा गया है। आयुर्वेद में दो प्रकार के रोग हैं, साध्य और असाध्य। असाध्य के भी दो भेद किए हैं, एक याप्य और एक प्रत्याख्य। याप्य वो उपाय है जिसमें औसत देते रहेंगे तब तक रोगी ठीक रहेगा, और औसत छोड़ते ही फिर अपना प्रबल रूप दिखाएगा। और प्रत्याख्य का मतलब है कि औसत से ठीक नहीं हो सकता, वो पथ्य यदि आदमी करेगा तो ठीक हो सकता है। ऐसे बच्चों में भी आजकल अनेक प्रकार के एलर्जिक अस्थमा हो रहे हैं, जिनका कारण है केमिकल युक्त आहार, टॉफी, चॉकलेट, जंक फूड का ज़्यादा प्रयोग करना, श्वास का अवरोध होना, श्वास न आना, श्वास ज़्यादा आना, कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा होना, और लंग्स में, फुफ्फुस में कफ का अधिक जमाव होना, ताकि वो उसमें वॉल्यूम कम होने से व्यक्ति लंबे सांस लेता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है। इसका मतलब है उसके पास जगह कम है, और जगह पूरी बनाने के लिए जो जमा हुआ औषधियों से या किन्हीं कारण से कफ को निकालना चाहिए, तब उसकी उसका आकार पूरा हो जाएगा, श्वास पूरा खींच के लिया जाएगा। इसमें विशेष रूप से खट्टा, कच्चा, तला हुआ इन पदार्थों को कम से कम सेवन करना होगा। चिकने पदार्थों में दूध प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दूध में पिप्पली डालनी होगी। पिप्पली डालने से दूध कफ पैदा नहीं करेगा। दूध में पत्ती डाल के ले सकते हैं, आजकल औषधि युक्त चाय आती है वो ले सकते हैं। इसके बाद उनमें कुछ औषधियाँ भी हैं, जैसे क्वाथ, इनको सुबह शाम लेना चाहिए। भारंगी आदि क्वाथ, मधुयष्टि आदि क्वाथ, कर्कट सिंह आदि क्वाथ, वास आदि क्वाथ। ये दूसरा कुछ अवले भी हैं, दिन में वासावले, कंठकारी अवले, अवस्थावले अच्छे प्रयोग हैं, जिनसे कफ पैदा भी नहीं होता, उत्पन्न भी कम होगा, और बनेगा कम तो कफ आएगा भी नहीं। अतः इनका सेवन करने से रोगी शीघ्र लाभ प्राप्त करता है। लेकिन आज के इस आपाधापी और दौड़ धूप वाले समय में व्यक्ति को धन के लोभ में घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है, और पथ्य करना अच्छा नहीं लगता। व्यक्ति समय पे खाता भी नहीं है, समय पे खाए, परिमित खाए, शरीर के अनुकूल खाए, तो व्यक्ति रोगी होगा ही नहीं। तो सभी प्रकार के रोग में पथ्य पालन आवश्यक है। श्वास रोग में बहुत तीव्र अवस्था है तो श्वास का चिंतामणि, बसंत मालती और महालक्ष्मी विलास का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में जो क्षय हो जाता है उसको दूर करते हैं, और श्वास नली में जो अवरोध हो जाता है उसको दूर करते हैं, क्योंकि उसकी स्थिति स्थापकता माने इलास्टिसिटी वो कम हो जाती है, तो वो नाड़ी चिपक जाती है। उसको खोलने के लिए तो चटनी दो, या गुनगुना पानी दो, या फिर लोग इनहेलर का प्रयोग करते हैं। उसका एक ही काम है कि वो चिपकी हुई नाड़ी को खोलना और श्वास के अवरोध को दूर करना। वो इनसे भी किया जा सकता है, दो बार काढ़ लो, दो बार चम्मच चाटो, और कमजोरी आ गई च्यवनप्राश लो। तो बच्चों को हम यही देते हैं, लेकिन बच्चों में असली बात है कि हर व्यक्ति में इम्यूनिटी पैदा करो, रोग प्रतिरोधक क्षमता। वो बच्चों में तो कुमार कल्याण देते हैं, बसंत मालती, महालक्ष्मी लाल, अगर 3 महीने दे दिया तो उसको एलर्जिक अस्थमा दूर हो जाता है। और बड़ों में जब बूढ़े हो गए तो कुमार कल्याण, बसंत मालती और श्वास का चिंतामणि देते हैं, उससे बहुत लाभ देखा गया है। तो ये रोग असाध्य नहीं है। लोग कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, दमा औसत से दूर हो जाता है, दम के साथ नहीं जाता। ये हम कह सकते हैं, हमारे पास उपचार है। यदि रोगी पथ्य करता है, समय पर भोजन करता है, औसत पूरी लेता है, तो वो स्वस्थ हो सकता है। आयुर्वेद में षडबिंदु तेल और दो तरह के तेल हैं, षडबिंदु तेल भी है और अणु तेल भी है। उन तेल को रात में एक एक बूंद डालो नासिका में, दोनों नासापुटों में डालो, और अगर दिन में कहीं जाना हो तो अपनी उंगली पे लगा के दोनों
मतलब नोस्टल में लगा लो, लगा के थोड़ा इनहेल कर लो अंदर, तो उससे बाहर का जो पोल्यूशन होगा वो अंदर गले में जाकर के इरिटेशन नहीं करेगा, नाक में ही रह जाएगा, तो उससे भी ब्रोंकाई जो है वो प्रभावित नहीं होगी। क्या आपको नहीं लगता है कि आजकल लोग इनहेल के पीछे ज्यादा, उसके जो अस्थमा के पेशेंट हैं, ज्यादा इनहेल करना पसंद करते हैं इसके अपेक्षा कि वो आप... पथ्य नहीं होता, दही नहीं छोड़ सकते, खट्टा नहीं छोड़ सकते, तो फिर उसके पीछे भागते हैं, औषध कम लेना चाहते हैं। और आजकल लोग कहते हैं औषध आयुर्वेद की महंगी है, वो गोली सस्ती मिल जाती है, चाहे उसे किडनी खराब हो चाहे लंग्स खराब हो, उनको एक आदत हो गई है कि हम यही लेंगे, और उससे उनकी आयु भी कम हो जाती है। मैंने देखा स्वास्थ्य रोगी कभी 100 साल का नहीं होता, कभी 80-90 साल का नहीं होता, 60-70 साल में चला जाता, उसका उपचार नहीं होता। खट्टा बंद करो नाक में सुबह दोपहर शाम उठते ही, रात में सोते समय दिन में 3 बार सड़बिंदु तेल लगाओ, 3 बार एक एक बूंद डाल लो और नाक में लगा लो, इनसे बढ़िया काम करेगा और पोल्यूशन भी प्रभावित नहीं करेगा। और उनको नाक को नाक का ढक ढक्के रखना चाहिए, और आजकल ढकने के लिए जितने साधन है उनका प्रयोग करें, और सब्जियों कटी हुई सब्जियां ना लें, धोकर के सब्जियों का उपयोग करें, ठंडा ज़्यादा नहीं लें, खट्टा ज़्यादा ना खाएं, तो उसमें बच्चे में नहीं जाएगा, तो महिलाओं के उसकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। और बच्चे को 6 से 8 महीने तक अपना स्तनपान कराना चाहिए, वो नहीं करा पाते। हमारे यहाँ अन्न प्राशन का जो विधान आयुर्वेद बताया वो 6 महीने के बाद है, पहला घास 6 महीने बाद खिलाते हैं, तब तक माता का दूध पिलाते, ऊपर का नहीं, लेकिन आप तो हॉस्पिटल छोड़ते ही ऊपर का दूध पिलाने लग जाते हैं, तब फिर कैसे हम उनको इम्यूनिटी दे सकते हैं। आजकल इम्यूनाइजर के लिए 6 महीने माता का दूध, कोलेस्ट्रॉम बहुत जरूरी है, सबसे पहले 10 दिन का, जैसे गाय का गाय बछड़ा पैदा हुआ तो 10 दिन का खीस कहलाता है, वो खीस में कोलेस्ट्रॉम ज्यादा होता है। तो स्वास्थ्य रोगी जिनके घरों में हम बचपन में देखते थे गाय ब्याई है, तो ब्राह्मण लोग 10 दिन तक काम में नहीं लेते थे दूध, बछड़ा पिए या कोई ले ले, तो वो लोग आते थे कि हमें खीस दे दो, तो उनको बड़ा लाभ होता था, मतलब उनको कोलेस्ट्रॉम से इम्यूनिटी मिलती थी, उससे स्वास्थ्य रोग ठीक हो जाता था। ऋतु का शीत का असर पड़ेगा, गर्मी में धूल धुएं का असर पड़ेगा, बरसात में नमी का असर पड़ता है, 3 ऋतुओं। तो कोई कैसे बचाव कर सकता है इसमें? वही इसी से, एक तो इम्यूनिटी, इम्यूनाइजर, इम्यूनिटी पैदा करो, औषध लो, नाक में तेल लगाओ, और सुबह शाम काढ़े का प्रयोग करो, मधुस्थित काढ़ा, जो जितना क्वाथ बनेगा उतना उतना निकल जाएगा बाहर। और फिर 200 के लिए हमारे यहाँ अलग अलग ऋतु बताइए, तो कफ का जो है संचय होगा वो शरद ऋतु में, और बसंत में गर्मी आएगी तो अपने आप उसका प्रकोप होगा, और गर्मी में अपने आप शांत हो जाएगा। तो एक ऋतु के अनुसार संचय प्रकोप समन बताया, तो उन ऋतुओं में जब दोष संचय हो उसी समय हमारे यहाँ कहते हैं उसको निकाल दें, विरेचन करा दें, बवन करा दें, कुछ भी कराए निकाल दें, तो वो कुपित नहीं होगा, कुपित नहीं होगा तो रोग पैदा नहीं करेगा, वो हमारे यहाँ ऋतु संशोधन कहते हैं उसे। 6 ऋतुओं में 6 प्रकार के संशोधन बताए, उसे रोग पैदा नहीं होगा। लोग अपना आहार विहार ठीक रखें, आपाधापी में न जाए, आचार विचार ठीक रखें, व्यवहार ठीक रखें, और धूल धुआं खट्टा ठंडा इन 4 से बचें, तो इस रोग से बच जाएंगे।